हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आइल। आप सभी का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो उम्मीद है आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा। हमारी ट्रिक्स जो आप देख रहे हो डेली, वो आपको पसंद पड़ रहे होंगे, आपको कहीं ना कहीं उससे हेल्प मिल रहा होगा। ठीक है, तो आज हम एज वैसे ही एक नए ट्रिक्स के साथ आए, सम स्पेशल सीरीज। ठीक है, तो हमने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो हमें देखने में लगता है कि डिफिकल्ट है, सीरीज टाइप के क्वेश्चन, जो ये कैसे हो गए, हमें नहीं आता, ये इतना डिफिकल्ट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो उन सब कुछ जो अब मैं आपको बताऊंगा ना, आपको देख लग जाएगा, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो बेसिकली सीरीज का क्वेश्चन होता है, तो उसमें एक पैटर्न होता है, पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है, और बस हमें देखते ही हम सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पैटर्न है वो आपने देखा होगा, जो पहला पैटर्न है, अगर मैं पहले पैटर्न की बात करूँ तो वो आपने देखा होगा, √20, √20, √20 का सम मतलब टर्म रहता है, बार बार रिपीट हो रहा होता है। जैसे मैं बताऊं, √20 प्लस √20 ये चलता जाता है, प्लस √20 प्लस √20। ठीक है, तो ये अप टू इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता रहता है ये। ठीक है, ये मतलब कि रिपीट हो रहा है बार बार, बार बार रिपीट हो रहा है, और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, बताओ ये वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें देखने में लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, सॉल्व कैसे करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं आंसर बताऊं तो ये 1 मिनट में ऐसा आ जाएगा। हमने क्या किया, अगर यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर बीच में प्लस साइन है, उसके लिए बता रहा हूँ, इसने हमने 20 का हमने फैक्टर निकाला जो कॉन्सिक्यूटिव आ रहा हो, तो 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5, और 4 × 5 कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर है, 4 के बाद 5 आता है। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला होता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 5। तो याद रखना, जो भी बड़ा टर्म होगा वो हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे 5 आ गया, 4 नहीं लेंगे क्योंकि प्लस साइन है, अगर माइनस होता तो हम 4 ले लेते। ठीक है, तो फैक्टर तो करना है, और फैक्टर कैसा करना है, जो बड़ा फैक्टर होगा। ठीक है, अगर प्लस साइन आ रहा है तो 4 और 5 में बड़ा फैक्टर लेंगे, ना कि छोटा। और फैक्टर, ये फैक्टर कैसा है, कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार नंबर आ रहा है 4 के बाद 5। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे हम 20 को 2 × 10 भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 या 10 आंसर बोलते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो वो हमारा आंसर होगा। तो समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहीं भी मान लो, अगर क्वेश्चन ये होता, √20 − √20 − √20, ये चल रहा है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, हमसे आंसर पूछा गया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे अगेन हम 20 का फैक्टर करते हैं, ये आता 4 और 5, कॉन्जुगेटिव फैक्टर क्या आ गया, 4 और 5। तो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो हम छोटा वाला जो नंबर है 4, वो हमारा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे बड़ा नंबर जो 5 आ रहा था वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जब सीरीज जो बार बार टर्म रिपीट हो रहा है और बीच में प्लस साइन आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही मल्टीप्लीकेशन वाले भी होते हैं। ठीक है, उनमें क्या करते हैं, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया जिसमें ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार बार सीरीज रिपीट हो रहा है, और इनफाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट बार, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, हमें काउंटिंग नहीं पता कितनी बार रिपीट होगा, तो उस समय हम ये काम करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ये बेसिकली हमने ट्रिक से सॉल्व किया है, इसका वैसे हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, उसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को जानना हो कि नॉर्मली सॉल्व करना हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना, मैं बता दूंगा कि इसका सब्जेक्टिव वे क्या है सॉल्व करने का, लेंथी मेथड जो होता है, जो प्रॉपर वे है वो क्या है। ठीक है, तो दो ये समझ में आ गया। ठीक है, इसको चाहो तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, एक फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, जो फॉर्मूला क्या होता है प्लस वाले के लिए, ठीक है, तो याद रखना जरूरी नहीं है, वैसे बता देता हूँ, प्लस वाले के लिए क्या होता है, √4a + 1 + 1/2a। ठीक है, ये है प्लस वाले के लिए, इस वाले के लिए। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, जो टर्म रिपीट हो रहा है, यहाँ पे नंबर ए 20 है, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा हमारा, 20, तो हमने इसमें पुट किया, तो ये क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये आ गया 4 × 20 + 1 + 1/2। ठीक है, ये आ गया 80 + 1 = 81, 81 का √9, तो 9 + 1/2 = 10/2, 5, 5 हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है, तो चाहो तो इस फॉर्मूले से कर सकते हो, सिंपल फॉर्मूला है, चाहो तो इसको इसके फैक्टर निकाल दिए, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर, और जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, प्लस साइन आ रहा है। ठीक है, माइनस वाले के लिए क्या होता है, माइनस वाले के लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे माइनस साइन लग जाता है, ये क्या होता है,
अगर मैं इसकी बात बताऊँ फॉर्मूले की बात, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4a प्लस 1, यहाँ पर माइनस 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 था एग्जैक्टली, सब काम सेम होगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया, ये आ जाएगा 9 माइनस 1/2, 8/2, 4। तो 4 हमारा आंसर था, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, प्लस वाले माइनस वाले, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन आता है। अगर यही सीरीज मान लो मल्टीप्लाई हो रही है बार बार, तो क्या होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। थर्ड टाइप देख लेते हैं। थर्ड हमने मान लिया, इसके लिए पूछी गई है 5 √5 √5 √5 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। ये इनफाइनाइट टाइम्स ये इंपॉर्टेंट है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस जो भी टर्म रिपीट हो रहा है वो हमारा आंसर हो जाता है। अगेन इसका भी सब्जेक्टिव वे है सॉल्व करने का, अगर किसी को जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा सब्जेक्टिव वे में सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ये हो गया 5। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा था, मतलब ये रिपीट होते जा रहा है, काउंटिंग हमें नहीं पता, ठीक है। दूसरा, अगर यही अगर हमें काउंटिंग पता है, जैसे मैंने बोल दिया कि ये मान लो अगर रिपीट हो रहा है, मान लो 5 √5 √5 √5 हमने 4 टाइम्स रिपीट कर दिया, तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट टाइम्स नहीं जा रहा है, 4 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। 5 बार ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 5 नहीं होगा आंसर, अब आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये 5 1 − 1 / 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 4 बार, तो ये 4 आ गया, ठीक है। ये सॉल्व कर देंगे तो कितना हो गया, 5 1 − 1/16, तो 16 − 1 = 15, तो ये आ गया 5 15/16, ये पावर में है, 5 के पावर में आ गया 15/16। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, जैसे कुछ नहीं करना है, 1 − 1/2 / 4, यहाँ पे जो टर्म आएगा वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो नंबर यहाँ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 4 बार रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे 4 आ गया। अगर मान लो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये होता √3 √3 √3 √3 √3, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया वैल्यू बताओ, तो √3 कितनी बार, यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीट हुआ था, यहाँ पे 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 1 तो आएगा, −1/2 भी आएगा यहाँ पे। पावर कितनी, अब यहाँ पे एक पावर आएगा 2 के साथ, वो पावर क्या होगा, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स, तो ये 5 आ गया। तो ये हो गया 3 1 − 1/32, 32 − 1 = 31, तो 3 √31/32, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, सिंपल है, ठीक है। अब अगर यही अगर ये फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता, फॉर एग्जांपल ये है √3 √3 √3 √3 अप टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है और हमसे वैल्यू पूछी गई है। तो अगर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है मल्टीप्लीकेशन में, सबके टर्म के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो टर्म रिपीट हो रहा है वो हमारा आंसर होता है, तो ये 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, अगर टर्म इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, तो जो टर्म रिपीट हो रहा है, जो नंबर रिपीट हो रहा है, वो हमारा आंसर हो जाता है, वो हमारा आंसर एज इट इज हो जाएगा। अगर फाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब हमें काउंटिंग पता है, जैसे यहाँ पे 4 टाइम्स था, यहाँ पे 5 टाइम्स था, तो नंबर 1 − 1/2 जितनी बार रिपीट हो रहा है वो आ जाता है, सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो बस इतना करना होता है। तो ये सीरीज बार बार आपको मिलेगा, हर एग्जाम में मिलता है, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में मिलेगा आपको बार बार। तो उम्मीद है, चाहे मैथ्स के ओलंपियाड में, ठीक है, बहुत कॉमन सीरीज का क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला है, अगर सब्जेक्टिव वे में चाहिए, अगर किसी को जानना है कि सॉल्व कैसे करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको बता दूंगा, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे ही ट्रिक्स के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तो बाय, टेक केयर।